इसी बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण कार्यक्रम में शामिल होंगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है आपको दे रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी अहम जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है। आज मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। तीसरे चरण का शुभारंभ जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कई योजनाओं का यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर इस कार्यक्रम के दौरान होगा। बड़ी जानकारी, मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत शुभारंभ आज होगा और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। और आज मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। तमाम मंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो हैं कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी आपको बता दें कि शामिल होंगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम जो है ये आयोजित होगा मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत। बड़ी और अहम जानकारी, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस दौरान होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश आपको बता दें, मिशन शक्ति को लेकर मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत यहां पर होगी और इस कार्यक्रम के तहत, इस मिशन के तहत कई उद्घाटन और शिलान्यास जो है योजनाओं का यहां पर इस दौरान होगा। बड़ी जानकारी है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कार्यक्रम में जो है जुड़ेंगी, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। और वहीं दूसरी ओर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम जो है आयोजित होगा। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। तो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है इस दौरान होगा और आज मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ जो है वो होगा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। मिशन शक्ति से जुड़ी हुई, मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत जो है वो आज होगी। बड़ी अहम जानकारी, तो इसी बीच हमारे सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निकिता, जिस तरीके से मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ खास जो है तीसरे चरण में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करूं तो रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर जो मिशन शक्ति है उसके तीसरे चरण की आज शुरुआत हो रही है। आज यानी कि 21 अगस्त को ये कह सकते हैं कि एक जो तीसरा चरण है ये नए फ्लेवर में नजर आएगा। और अगर इसमें, इस योजना में जो महिलाएं हैं उनको सीधे सीधे रोजगार से जोड़ दिया जाएगा और उनको नए नए अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। इसमें आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है इसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होगी। और इसमें कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, महिला संगठनों के अलावा जितने भी शिक्षा आदि के क्षेत्रों से महिलाएं जुड़ी हैं उनमें आपको बता दें कि सिलेक्शन करके 75 महिलाओं को इस पूरे कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये पूरा प्रोग्राम होगा जिसमें निर्मला सीतारमण जो छोटी और बड़ी जितने भी कंपनियां हैं उनको लेकर के जो उभरते सितारे फंड उसकी शुरुआत करेंगी। और उभरता सितारा फंड भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या है। एक वैकल्पिक निवेश फंड है जिसको नाम दिया गया है उभरता सितारा फंड। और अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो भी जितने भी निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 29.68 लाख जो जितने भी महिलाएं हैं उनके खातों में 451 करोड़ का जो अमाउंट है, मनी है, उसको सेंड करेंगे। और वही 1.73 लाख से भी अधिक नए विद्यार्थियों को भी इस पूरी योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री की जो कन्या सुमंगला योजना है उसके तहत भी 1.55 लाख जो बेटियां हैं उनके खाते में 30.12 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। और आज भी आपको अभिषेक ये भी बताना चाहूंगी कि सरकार महिला दीप पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी और मिशन शक्ति के तहत 84.79 करोड़ की जो लागत से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट्स का भी निर्माण किया जाएगा। और वही महिला जो बटालियन है उनके लिए 2982 पदों के लिए भर्ती होगी। तो जो मिशन शक्ति का तीसरा चरण है ये कई मायनों में खास होने वाला है आज। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, कई मायनों में तीसरा चरण जो है बेहद खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।